This ad can't be skipped but your travel figure can. Good evening all of you. How are you I hope you all are fit and fine. Welcome to Unacademy. लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड स्पेशल वेलकम टू बिगनर टू मास्टर यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी आप सभी का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल बिगनर टू मास्टर या बी टू एम पर विशेष स्वागत है तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ एक अवसम इवनिंग सेशन के लिए इवनिंग टी के साथ हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है नमस्कार जीतू राधे राधे उमेश गुड इवनिंग संस्कार गुड आफ्टरनून अभिषेक नमस्कार सुल्तान हेलो हेलो लॉकी, आई एम फाइन फाइन प्रणाम अमन सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाइए एक ऑसम सा सेशन हमारा गुड इवनिंग टी के साथ स्टार्ट होने वाला है बिगनर टू मास्टर यूट्यूब चैनल पर अन अकेडमी के पवन नमस्कार पवन नमस्कार पवन सैनी यस yes, कॉफ़ी के साथ और टी के साथ यस यस अमन कॉफ़ी और टी के साथ देखो सबसे पहले मैं हम लोग जब तक सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो लोग नए होंगे उनको पता चल जाएगा आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दिख रहा तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ आपके सामने गुड इवनिंग राहुल माई सेल्फ प्रवीण सिंह इंगी सी नेट क्वालिफाइड इन जोग्राफी अपियर इन पर्सनलिटी टेस्ट ऑफ सिविल सर्विसेज टीचिंग एक्सपीरियंस मोर दैन टेन ईयर्स और अप्रोक्स या एक समझ लो अप्रोक्स वन डिकेड का है टीचिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट इन द डेली फॉर सिविल सर्विस एक्सपीरेंट अब जैसे आप में से जितने लोगों ने अनकेडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो अभी भी है आपके पास ऑप्शन इंस्टॉल कर लो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि आपके पास डेली लाइव क्लासेज स्ट्रक्चर कोर्स लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एसेस मिलेंगे आपको इसके अलावा आपको मेरी जो स्पेशल क्लासेज होती हैं वो भी आपको अन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद हम लोग फी स्ट्रक्चर्स की बात करें यदि यू पी सिविल सर्विस सब्सक्रिप्शन लेने हो तो वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ की आप ले सकते हैं ट्वेल्व मंथ फी फोर्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ है यदि रेफरल कोड प्रवीण वन यूज़ करते हो तो थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का होगा जिसे आप इजी एम आई पर भी पे कर सकते हो ठीक है इसी तरीके से यदि हम 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हमारा सिक्सटी फोर थाउजेंड फी है रेफरल कोड प्रवीण मन यूज़ करो 10 परसेंट ऑफ है और फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का होगा ठीक है ओके okay, सुल्तान बात करते हैं इस पर हम लोग अभी क्लास के बाद ठीक है अब देखो क्या है यदि आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको प्लस से कुछ बेटर है किस मामलों में सबसे पहले तो जो प्लस वाले बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे इसके अलावा पर्सनल कोच मिलेंगे इसमें डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलेंगी स्टडी प्लानर मिलेगा और हमें पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा ये कोर्स आपको ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी मंथ में अवेलेबल है ट्वेल्व मंथ की फी है यदि प्रवीण वन रेफरल कोड यूज करोगे तो होगा आपका फिफ्टी का जिसको ईजी ई एम पे भी पे कर सकते हो और 24 मंथ की फी है यदि आप रेफरल कोड प्रवीण वन यूज करते हो तो 89,100 का होगा ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं आपको ठीक है तो देखो आज हम लोग जो सेक्शन डिस्कस करने वाले बेसिकली ये तो था कि बेसिकली हमारे एक इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम एनाकेडमी से जुड़ना चाहें तो हमें क्या करना होगा इसके लिए गुड इवनिंग इसी का गुड इवनिंग इसका सभी लोग फी जमा कर दो सुल्तान क्लास के बाद मुझसे बात करना एक बार सुल्तान अंसारी ठीक है आफ्टर क्लास डिस्कस कर लेंगे हम लोग तो यहाँ तक सब समझ रहे हैं कि बेसिक चीज़ें थी अब आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसे हिंदी में कहेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत गुड इवनिंग तकसीला एडुकेशन गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो यू ऑल आर रेडी फॉर द वंडरफुल सेशन विथ प्रवीण सिंह देखो हमें ना एक वर्ड याद रखना है फॉल इन लव विथ ज्योग्राफी विथ प्रवीण सिंह ठीक है सभी लोग इस वर्ड को याद रखना फॉल इन लव विथ जोग्राफी विथ प्रवीण सिंह यह ना विद ज्योग्राफी विथ प्रवीण सिंह इसमें वर्ड कर लो फॉल इन लव ओके जीतू ओके लौके यस दीपक यार फिर यह या मौसम जो है ना अभी ऐसा ही कुछ रो हो रखा है यहाँ पर डेली के अंदर रेनी सीजन की कंडीशंस बनी हुई है रेनफॉल की और हाय ललित तो सभी लोग जुड़ते जाओ ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें तो देखो आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग महाद्वीपों में विस्थापन है तो इस टॉपिक का ही नाम है कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग महाद्वीपों में विस्थापन है ठीक है नमस्कार प्रतिमा नमस्कार आप भी ज्वाइन कर लिया आपने गुड इवनिंग प्रियानाथ अब देखो जैसे इस आपके सामने इमेज दिख रहा होगा कंटेंट जो है आपको ड्रिफ्ट कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो इस टॉपिक के नेम से क्लियर हो और ये इमेज स्पष्ट बता रहा होगा कि इस टॉपिक में हमें समझना क्या है ये तो क्लियर होगा आपके इमेज देख करके समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है और समझना क्या है तो कुछ टॉपिक को समझने से पहले येसुमेस ये, ये स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने कुछ काम किया इसके ऊपर कि आपकी क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी लगे मजेदार सी लगे ये ठीक है अब ये सोचो इमेज आपको स्पष्ट क्लियर कर पा रहा हो कि आपको क्या पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होनी चाहिए आई थिंक यहां तक मैं समझ पा रहा हूं देखो सबसे पहले इसके बारे में कुछ समझोगे देखो इस थ्योरी को देने वाले व्यक्ति थे पहले समझिएगा एक पर्सन थे अल्फ्रेड वेगनर 1912 में 1912 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारा इस थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था अल्फ्रेड वेग्नर के द्वारा इन 1912 बट हुआ ये कि एट दैट टाइम उस समय वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गए थे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट हो गया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के कारण क्या हुआ स्टार्टिंग की वजह से क्या हुआ कि इस थ्योरी पर लोगों का फोकस नहीं हुआ इस लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया ठीक है ओके ओके थैंक यू तो उसमें लोगों का ध्यान नहीं गया लेकिन हुआ नाइनटीन ट्वेंटी में इस थ्योरी के लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया लोगों का इस पर ध्यान गया इस जो ये थ्योरी थी सबसे पहले तो ये समझो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्यूरी इज प्रेजेंटेड बाय द अल्फ्रेड वैगनर इन 1912, बट दैट टाइम वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्यूरी इज कम्स इन 1915 एंड 1920. तो इस थ्यूरी का जो एक्सप्लेनेशन हुआ था वो 1915 और 1920 में हुआ क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार के कारण लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया था तो देखो ये थ्यूरी सिंपल से यही कहता है कि कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर रही है यानी इस थ्यूरी में हमें देख रहे हैं तो कॉन्टिनेंटों तो के अंदर ड्रिफ्ट हो रहा है अलग अलग हो रहा है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ पेंजिया लॉरेशिया मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे कुछ दिख रहे हैं आपको तो इन्हीं को हमें डिस्कस करना है बेसिकली यहाँ पर देखो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर हम लोग क्लियर कट समझ लें कि जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो उस थ्योरी के पढ़ने का एक अप्रोच होता है हमारा देखो किसी भी पर्सन के द्वारा जब कोई भी थ्योरी दी जाती है तो सबसे पहले उस थ्योरी को प्रेजेंट करने के पीछे एक मोटिव होता है हमारा एक उद्देश्य होता है कि थ्योरी क्यों दी गई कोई भी व्यक्ति जो है वो थ्योरी को प्रेजेंट कर रहा होगा तो उसके पीछे उसका एक मोटिव होगा कि तो किन मोटिव उस थ्योरी को प्रेजेंट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है इट मीन्स हमें भी जाना है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वेग्नर के द्वारा इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के पीछे हमारा मोटिव क्या रहा जब हम मोटिव को समझेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि इसके एजम्पन्स एजाम्स मान्यताएँ क्या थी इट मीन्स इन्होंने किन किन एजाम्स के बेसिस पर इस थ्यूरी को एक्सप्लेन किया था क्या उनकी एजम्सन्स रहे थे फिर हमें उसके एक्सप्लेनेशन को समझना है उसका वर्णन करना है उस थ्योरी को बताना है कैसा है ये और फिर लास्ट में हम उसके लिए एविडेंस भी देंगे कि जो उन्होंने बातें की थी तो उसको कैसे प्रूफ करोगे आखिर क्या ऐसे प्रमाण है जो इस थ्योरी को प्रूफ करते हैं तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या कोई भी थ्योरी पढ़ोगे तो सबसे पहले उस थ्योरी के पीछे मोटिव होगी मोटिव के बाद आप आओगे अगेन तो एजम्पन्स होंगे कुछ हमारी मान्यताएं होंगी देन एक्सप्लनेशनस होंगे वर्णन होगा लास्ट में आपका एविडेंस होगा यानी उसके पीछे हम प्रमाण देते हैं और लास्ट में फिर इसको हम लोग यदि क्रिटिकली एनालाइज हो तो इसमें क्रिटिसिज्म को भी ऐड कर जाएंगे इट मींस हमसे पूछा जाए कि आलोचनात्मक मूल्यांकन करो तो हम लोग इसमें क्रिटिसिज्म वर्ड को भी ऐड कर जाएंगे तो ये समझ में आ रहा है कि थ्योरी को पढ़ने का अप्रोच क्या होता है इज एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट ओके 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 ऑल आर तो देखो अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस थ्योरी को मतलब इस टॉपिक को पढ़ने का अप्रोच हमारा ये होगा मोटिव्स को समझेंगे एक्जशन समझेंगे एक्सप्लेन आएंगे एविडेंस भी आएंगे कैसे कैसे क्या क्या, क्या थे तो देखो सबसे पहले हम लोग मोटिव्स की बात करते हैं इसके उद्देश्य की बात करते हैं ये थ्योरी क्यों आया देखो एक्चुअल में जो अल्फ्रेड वेग्नर है ना ये आपको ये अल्फ्रेड वेग्नर जो देख रहे हो अल्फ्रेड अलर जो बेसिकली हैं, ये आपको एक थे, थे, तो मेट्रोलॉजिस्ट है जो भी वेदर चेंज हुए थे क्लाइमेट में चेंजेज हुए थे उस क्लाइमेट चेंज की स्टडी उस क्लाइमेट चेंज की स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे इटमीन्स एक मौसम वैज्ञानिक थे जो एंसियट टाइम पीरियड के अंदर पास्ट में जो मौसम जो क्लाइमेट में चेंज हुआ था उसी का ये स्टडी कर रहे थे बेसिकली तो उसी स्टडी के फेज में इन्होंने थ्योरी को प्रेजेंट किया था थ्योरी दिया था ये यानी थ्योरी जो गिवन किया गया इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था उसके पीछे ये था कि जब ये मौसम वैज्ञानिक थे और क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर रहे थे और उसी फेज में इन्होंने थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था तो देखो उस फेज में हुआ ये था कि इन्होंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री के अंदर हुआ यह था कि अल्फ्रेड वेगनर ने दो चीजें नोटिस की थी नोटिस ये की थी कि, कि कुछ ऐसे सर्किस्टांसेज हमें मिल रहे हैं वार्म क्लाइमेटिक रीजनस के कुछ ऐसे फोसिल्स हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो वार्म क्लाइमेटिक रीजन में होने चाहिए थे लेकिन कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में भी मिल रहे हैं और सेम कंडीशन अपोजिट दिख रहा है कि कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन वाली चीजें जो होती हैं वो वार्म क्लाइमेटिक रीजन में देखने को मिल रही हैं मीस इन्होंने देखो ध्यान से समझना एकदम यहाँ पर गुड इवनिंग गुड इवनिंग तिवारी जी गुड इवनिंग तो इन्होंने ये देखा कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे हैं तो आप ये देखोगे कि वार्म क्लाइमेट के चीज कोल्ड में और कोल्ड की वार्म में, में पाई जा रही है मीन्स जैसे चीज़ें जो फोसिल्स हैं जो भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स हैं वार्म में डेवलप होने चाहिए कोल्ड में भी पाए जा रहे हैं और मान लो आइस का डिपोजिशन कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में होना चाहिए लेकिन उसके भी डिपोजिशन हमें या उसके एविडेंस वार्म क्लाइमेटिक रीजन में पाए जा रहे हैं तो इस मीन्स इन्होंने इस पर दो कंक्लूजन निकाले एक कंक्लूजन ये निकाला इन्होंने कि हो सकता है कि कॉन्टिनेंट जो है मान लो हो सकता है कॉन्टिनेंट है कोई भी तो कॉन्टिनेंट एज इट इज यहीं पर रहा कोई क्लाइमेटिक रीजन यहां पे कोल्ड चला चलाया शिफ्ट होकर एक ये माना कि लैंड मास एज इट इज वहीं पर था क्लाइमेट ने शिफ्ट कर गया इन मीन यहां पे पहले वार्म था अब यहां पे कोल्ड क्लाइमेट चलाया तब ऐसी कंडीशन बनी होगी या यहां कोल्ड है तो यहां पे वार्म क्लाइमेटिक रीजन पहुंच गए तब ऐसी कंडीशन बनी होगी सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि ये क्लाइमेटिक रीजन का शिफ्टेशन ना होकर लैंड मास ही शिफ्ट कर गया हो मीन्स जो लैंड मास पहले वार्म क्लाइमेटिक रीजन में था वो पहुंच गया आपका कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन में जो वार्म क्लाइमेट रीजन में था वो आपका कोल्ड क्लाइमेट रीजन में पहुंच गया इट मींस इन्होंने दो चीज़ें मानी मतलब हुआ ये कि ये जब आपको एंसेंट कह लो क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर रहे थे पास्ट के तो उसी पास्ट क्लाइमेट चेंज की स्टडी के फेज में इन्होंने ऐसा पाया कि वार्म क्लाइमेट वाली चीजें कोल्ड में कोल्ड वाली वार्म में मिल रही हैं तो इसी बेसिस पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन इनका ये था कि वार्म क्लाइमेटिक रीजन की जो चीजें हैं मिलना इट मींस क्लाइमेटिक रीजन वहीं पर रहा जोन सॉरी कॉन्टिनेंटल पार्ट वहीं रहा क्लाइमेट ने शिफ्ट किया सेकेंड थिंग ये माना इन्होंने कि नहीं क्लाइमेट में शिफ्टेशन से नहीं हुआ कॉन्टिनेंट ही शिफ्ट कर गया या दो ही चीज हुई होंगी या तो कॉन्टिनेंट का शिफ्टेशन हुआ होगा या फिर क्लाइमेट का शिफ्टेशन हुआ तो इन्होंने जो माना वो सेकेंड पार्ट को माना सेकेंड पार्ट को मानने का अर्थ यह माना कि क्लाइमेटिक जोन एज इट इज थे जो कॉन्टिनेंट है वही ड्रिफ्ट कर गए उन्हीं में विस्थापन हो गया ओके okay, हिंदू जी तो मैं हिंदू में बोल रहा हूं तो जो महाद्वीप हैं उन्हीं के अंदर विस्थापन हो गया मीन जलवायु वाली दशाएं वहीं रह गई महाद्वीपों में विस्थापन हो गया ठीक है तो इन्होंने ये बताया कि जो कॉन्टिनेंट थे इनके अंदर ड्रिफ्टिंग हो गई अदरवाइज आप देखोगे लैंड मार्सेज एज इट इज वही रह गए मतलब क्लाइमेटिक रीजन वही रह गई सिर्फ लैंड मार्स में शिफ्टेशन हुआ ये ने माना था आई बात समझ में यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट किसी को इनके मोटिव के पीछे हम समझ रहे हैं कि मोटिव क्या था इनके थ्योरी को प्रेजेंट करने का अल्फ्रेड वेग्नर की थ्योरी को प्रेजेंट करने के पीछे मोटिव क्या था एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन एनीवन वन ललित राज नो नो ओके ललित इतने लिखने की जरूरत नहीं प्लीज गिव अ बिग अप यदि आप कंफर्टेबल है समझ पा रहे हैं तो प्लीज गिव अ बिग अप यदि आप लोग कंफर्टेबल है समझ पा रहे हैं तो सभी लोग ठीक है ये तो है इनका मोटिव अब हम आते हैं अजंशन्स पर मान्यताएं मान्यताएं जिसको बोलते हिंदी में या देखो इन्होंने अपनी थ्योरी को जब प्रेजेंट किया तो मोटिव तो ये था कि पास्ट के क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करना था और उसी फेज में इन्होंने माना कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन थे एज इट इट्स सी कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हुआ अब इनके कुछ अजम्स थे मान्यताएं थी देखो सबसे फर्स्ट इन्होंने जो एजम्पन्स माना था वो ये माना कि जो सियाल है सियाल क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और सीमा है ओशनिक क्रस्ट है तो सियाल जो है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है फर्स्ट एजम्सन का यही था कि जो सियाल है फ्लोट ओवर द सीमा जो सियाल है वो सीमा पे तैर रहा है ये माना इन्होंने पहले सबसे पहले कि सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है पहले इनकी मान्यता थी सेकेंड क्या था इनका कि जो आप देखोगे

ठीक है जैसे आप देखोगे ये पेंजिया था यह सभी महाद्वीप दूसरे से जुड़े हुए थे अब इसी पेंजिया के चारों तरफ जैसे मान लो ये पेंजिया है इस पेंजिया के चारों तरफ एक ओशन था उस ओशन का नाम था पैंथालासा पैंथा लाशा, पैंथा लाशा। मीन्स इन्होंने ये माना कि कार्बोनिफेरस टाइम तक क्या था कि ऑल कॉन्टिनें एडजॉइन इच अदर एंड सराउंडेड द ओशन विच इज कॉल्ड पैंथालासा पैंथा लाशा इज द बिग ओशन और सुपर ओशन तो, पेंजिया विशाल महाद्वीप है और पैंथालासा विशाल महासागर था ठीक है इनके मिड में एक जियो सिंक्लाइन था उसका नाम था टेथिस जियो सिंक्लाइन का नाम था टेथिस तेधीस। जैसे आप देखोगे यहां पर यह बीच में देखो यहां पे जियो सिंक्लाइन है उसी को तो टेथिस जो पैंजिया है तो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है ये ओशन से सराउंडेड उसका नाम है पैंथालासा और ये पैंथालासा की मिड में आपको सी है जियो जिसका नाम है टेथिस एक्चुअल क्या होता है नैरो एंड जो संकरे और कम गहरे होते हैं सी उसी को हम लोग जियो के नाम से जानते हैं अब इसी वजह से क्या हुआ टेथिसी की वजह से पैंजिया टू पार्ट में डिवाइड हुआ नॉर्दर्न पार्ट को कहा गया लॉरेशिया लॉरेशिया या अंगारा लैंड भी इसको बोलते हैं हम लोग अंगारा लैंड और सदर्न पार्ट को कहा गया गोंडवाना लैंड गोंडवाना लैंड ठीक है इट मीन पैंजिया जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड ठीक है ललित राज पटले क्या लिख रहे हो पतले तो ड्यू टू टेसिस पैंजिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स नॉर्दर्न साइड इज कॉल्ड लॉरेशिया एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड अब ये कार्बनी युग के अंत में आते आते क्या हुआ इनमें डिविजन स्टार्ट हुआ जो पैंजिया है इनमें विखंडन स्टार्ट हुआ ब्रेक करने शुरू हुआ ओके तेजवाल मैं बता रहा हूं वेट थोड़ा तो सा इसको एक्सप्लेन करके मैं टाइम टेबल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं वेट बस जस्ट मी न ठीक है तो अब देखो क्या है कि आप पैंजिया जो है ये आपका डिवीजन स्टार्ट होता है पेंजिया के अंदर लेटर कार्बनीफेरस एज में यानी ये जो पेंजिया था ये डिवीजन होना शुरू हुआ देखो नॉर्दर्न पार्ट लोरेशिया है सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड है डिवीजन हुआ और डिवीजन हो कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में ये मिल गई है तो अब देखो ये ऑब्वियस है डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने का अर्थ है इनके पीछे कोई ना कोई फोर्स होगा कोई ना कोई बल होगा तो इन्होंने टू फोर्सेस की बात की थी ये जो कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हो रहा है कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहे हैं तो कॉन्टिनेंट में जो शिफ्टिंग हुआ उसके पीछे इन्होंने टू फोर्सेस की बात की थी फर्स्ट कहा था ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हुआ यह सुल्तान अभी भी ड्रिफ्ट कर रहे हैं और सेकेंड माना था इन्होंने, इसे हम लोग टाइडल फोर्स भी कह सकते हैं टाइडल फोर्स ऑफ मून मीन्स इन्होंने ये माना कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके अंदर ड्रिफ्ट हो रहा है ये विस्थापित हो रहे तो दो कारणों से या तो ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से या फिर कह सकते हो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मून की वजह से सर आप जो पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड मैप है मैं समझा नहीं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करना ललित टेथी दो भागों में नहीं टूटा पेंजिया टू पार्ट्स में टूटा जीतू पेंजिया डिवाइडेड फिर से मैं बता रहा हूं जो कॉन्टिनेंट्स हैं यहां पे समझोगे पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ मिले हुए थे जिसका नाम था पेंजिया ये पेंजिया के सराउंड में एक ओशन हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा ये पेंजिया के मिड में फिर एक ओशन आया सी आया जिसका नाम था टेथी सी और उसी टेथी सी की वजह से क्या हुआ कि पेंजिया डिवाइडेड टू टू पार्ट्स नॉर्दर्न पार्टी लोरेशिया एंड सउदर्न पार्टी द गोंडवाना लैंड उत्तरी भाग को कहा गया लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड इट मीन्स अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पैंजिया डिवाइडेड होता चला गया और आपको प्रेजेंट सिचुएशन ये वाले बने इट मीन जो प्रेजेंट सिचुएशन बन रहा है पेंजिया में डिवीजन हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा और इन्होंने जो फोर्स की बात की थी वो माना था ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ एंड टाइडल फोर्स ऑफ मून इन दोनों फोर्सेस की वजह से ही पेंजिया का डिवीजन हुआ यानी पेंजिया में विस्थापन हुआ वर्ल्ड मैप में है यस yes, एटलस में मिल जाएगा वर्ल्ड मैप में नहीं मिलेगा एटलस में मिल जाएगा ललित ये कॉन्टिनेंट वाले जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाले ठीक है यहां तक समझ में आया चीज कोई दिक्कत यहां थे किसी को ओके जीतू ओके सर इसका अर्थ यह हुआ कि जो आज के टाइम में आप जितने भी कॉन्टिनेंट देखते हो अरे यार इट्स ओके okay. मुझे आप लोग सुन पा रहे हो देख पा रहे हो ना सभी लोग ओके जीतु ओके तो आप देखोगे जो पेंजिया है आपका ये पेंजिया पले के साथ जुड़ा हुआ था ये धीरे धीरे आपको एट प्रेजेंट सिचुएशन में बना यानी जो कॉन्टिनें आपको आज दिख रहे हैं वो आपकी कंडीशन बनी हुई है ठीक है तो एट प्रेजेंट टाइम के जितने भी कॉन्टिनेंट है वो किसी इसी इनक पेंजिया से यानी लॉरिशिया से गोडालैंड से अलग हुए हैं पे क्वेश्चन भी बन जाता हमसे एग्जाम में कि देखो यहां पर ध्यान से समझना आप लोग पहले क्या है पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट अपार्ट अटू हंड्रेड मिलियनो टू हंड्रेड मिलियनिया लॉरेशिया पेंजिया का नॉर्दर्न पार्ट क्या था लॉरेशिया और इसी लॉरेशिया से क्या आया नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड एंड यूरेशिया तो नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड एंड यूरेशिया आर द पार्ट ऑफ लॉरेशिया ये लोरेशिया से जुड़े हुए थे ठीक है यस खुशी आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है दो तीन दिनों से दिन भर तो मेरा नेटवर्क सही था पता नहीं अभी शाम में क्लास के टाइम भी कुछ इशू हो जाते हैं ठीक है अब देखो क्या है ये पेंजिया था और है डिवाइड हुआ लोशिया में अब देखोगे पार्ट था गोंडवाना लैंड और इसी गोंडवाना लैंड से आपको वेस्टर्न साइड में अफ्रीका और साउथ अमेरिका का डिवीजन हुआ जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड के पार्ट थे इसके बाद आप देखोगे अंटार्कटिका इसी गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ इसके बाद आप आओगे तो ऑस्ट्रेलिया है इसके बाद आप आओगे तो इंडिया है यानी पेनिसुलर इंडिया का पार्ट है यानी ये जो आप देख रहे हो पैंजिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड एट प्रेजेंट टाइम नॉर्थ अमेरिका ग्रीनलैंड एंड यूरेशिया ये लॉरेशिया से जुड़े हुए थे और गोंडवाना लैंड जो है वेस्टर्न साइड में जो पार्ट बटा उसमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका थे और ईस्टर्न पार्ट में जो पार्ट गया अंटार्क्टिका ऑस्ट्रेलिया और पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट थे ठीक है समझ रहे यहाँ तक तो कई बार क्वेश्चन से, से पूछ लिए जाते हैं कि ये जो पैंजिया है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से आज के जो कॉन्टिनेंट है वो कौन से किससे जुड़े हुए थे किसके पार्ट रहे हैं ये ठीक है अब देखोगे यहाँ पर एक चीज़ और जैसे सिंपल सा ये चीजें हैं हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ थ्योरी क्या कहता है तो ये कॉन्टिनेंट जो वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं और इसको अल्फ्रेड वेगनर ने प्रेजेंट किया था अब यहाँ पे सिंपल सा समझिएगा आप लोग कि पेंजिया लॉरिशिया और गोंडवाना में डिवाइड हुआ उससे कुछ ये पार्ट्स बने ठीक है अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो समझो आप लोग ये कंडीशंस बनी जैसे पहले पेंजिया था ये डिवाइड होते थे इस एट प्रेजेंट कंडीशंस में ये डेवलप हुआ तो आपको इस डायग्राम से फिगर से क्लियर हो पा रहा है कि कौन सी सिचुएशन बनी और क्या कंडीशन बना हुआ यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट किसी को सर क्या माइंड मैप बनाया है ओके सुल्तान ओके खुशी ओके जीतू अब यहां पे हम लोग कुछ समझेंगे चीजों को और देखो मैंने क्या बोला था कि कुछ इनके एजम्स थे तो इनके पीछे हमने मोटिव क्या थी मोटिव के बाद इसके कुछ assumptions थे, कुछ थे मान्यताएं उनको हमने डिस्कस किया और उन assumptions के बाद हम लोग जब आते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आते तो हाँ समझोगे लोग लो, क्या था थ्योरी क्या थी इनकी एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है तो सबसे पहले ये माना गया कि अर्लियर कार्बनिक फेरसेस ऑल कॉन्टिनें अदर विच इज कॉल्ड पेंजिया एंड लेटर कार्बनिक फेरसेज पेंजिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लॉरिशिया गोंडवाना लैंड तो जब पेंजिया में डिवीजन हुआ तो उसके पीछे कारण था आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टाइडल फोर्स ऑफ द मून तो जो वेस्टवार्ड मूवमेंट होता है जो पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ था वो मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से हुआ जबकि जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इक्वेटर के साइड में इधर जो मूवमेंट हुआ ये हुआ आपका ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से इन्होंने माना ये वेगनर्क ने ओके 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 खुशी ठीक है तो तो अब ये आपको डिवीज़न हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप देखोगे ये वाला पार्ट ध्यान समझना सबसे पहले ये वाला पार्ट बना जब डिवीजन शुरू हुआ तो यूरोप इरो, से नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका से साउथ अमेरिका अलग हुआ था अटलांटिक फॉर्मेशन हुआ ये आपको क्रिटेशियस टाइम पीरियड में जो अटलांटिक ओशन है ये क्रिटेशियस टाइम पीरियड में फॉर्म हो गए थे इनका जो फॉर्मेशन है वो क्रिटेशियस टाइम पीरियड तक हो चुका था इसके बाद फिर क्या हुआ अफ्रीका से अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया पेनिसर इंडिया सभी अलग हो गए इट, इट मीन जो ये आप एरिया देख रहे हो इंडियन ओशन वाला रीजन ये आपको टर्सरी टाइम पीरियड तक फॉर्म हो चुका था इट मीनस टर्सरी तक आते आते देखो तो प्रेजेंट कंडीशन जो है कॉन्टिनेंट की ये फॉर्म हो चुकी थी जो वर्तमान स्थिति है महाद्वीपों के महासागरों की वो आपको टर्सरी पीरियड तक आकर हो चुका था बन चुका था ठीक है यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट ऑल क्लियर यहां तक ओके जीतू ओके खुशी ओके ललित अब देखो सबसे पहले हमने मोटिव भी समझा एजम्पन्स भी समझे एक्सप्लेनेशन भी समझे अब आते हम लोग एविडेंस पर इन्होंने कौन कौन से प्रमाण दिए थे कौन कौन से एविडेंस प्रोवाइड किए थे देखो इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस थे उसमें एक एविडेंस था जिग्सा फिट का जिग्सा फिट जिग सा फिट ठीक है आएंगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एविडेंस क्या थे इसके बाद इनका एविडेंस था आपका फोर्स एविडेंस भी था कुछ इसके अलावा पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस था पूरा जलवायु प्रमाण थे कुछ आपको स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज थी कुछ फॉल्ट्स थे तो कुछ इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस दिए अपने बात को कहने के लिए देखो ध्यान से समझना जिक्सा फिट क्या है कोस्टल फिट कोस्ट लाइन का फिट होना इट मीन जैसे आप देखोगे तो इन्होंने ये माना जैसे आप देखोगे कि साउथ अमेरिका जो है और अफ्रीका जो है इनको जोड़ो तो जुड़ रहा है आपके सामने दिख रहा होगा कि दोनों जुड़े हुए हैं यानी पहले ये था कि ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी भी ये ऐड हो जा रहे हैं इस कंडीशन को समझा जाए तो कुछ ऐसे दिख रहा होगा प्रेजेंट सीनेरियो ऐसा है कुछ ऐसा ही ना कुछ प्रेजेंट सी तो ऐसे ही पहले जुड़े हुए थे ध्यान से समझना यहां पर इसको देखो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हुआ था यह आज के टाइम पे दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं लेकिन इन्होंने ये माना कि जब दोनों को जोड़ा जाए साउथ अमेरिका को अफ्रीका से आपस में जुड़ जाएंगे और इसी को कहा गया था जिक्सा फिट इसी को कहा इन्होंने जिक्सा फिट यानी कुछ ऐसे होगा समझ रहे इसको यानी आपस में मिल रहे हैं जुड़ रहे हैं और इसे ही कहा गया जिक्सा फिट का होना तो साउथ अमेरिका अफ्रीका से ऐड हो सकता है इसी प्रकार देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो यूरोप से ऐड हो सकता है यूरेशिया वाले पार्ट से ऐड हो सकता है यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को जोड़ा जाए तो ये भी आपस में जुड़ सकते हैं जो आज हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ये भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं यहां पर ऐसे और ये जो इनका कनेक्शन बन रहा है इसी को कहा गया था जिक्सा फिट आई बात सोच में जिक्सा फिट किया इट मींस कॉन्टिनेंट देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया रीजन एंड द साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका रीजन इनको आपस में जोड़ा जाए तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसी को कहा जिक्सा फिट तो ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे अब सोचो यहां पर दोनों जो हैं एक साथ मिले हुए जोड़ा जा सकता है तो ये प्रूफ कर रहा है ना कि कभी ना कभी आपस में जुड़े थे अदरवाइज इनकी स्ट्रक्चर एक, एक जैसी नहीं होती और इसी वजह से देखोगे इस कोस्ट के स्ट्रक्चर और इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी पाई जाती है इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज भी कहते हैं संरचनात्मक समानताएं भी कह सकते हैं इनमें संरचनात्मक समानताएं भी पाई जाती हैं समझ में आया कोई कंफ्यूजन किसी को Doubt, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को भी यहां जिक्सा फिट क्या होता है ओके खुशी ओके ललित विथ सैनिटाइजर ओके ललित सेनेटाइजर की जरूरत अभी समय सबसे अधिक है ओके जीतू ओके देख ये पहले आपस में जुड़े हुए थे यही आपको इसी को जिक्सा फिट के नाम से जाना गया जिसको हमने अभी समझा था फिट। at जो है आपस में जुड़े थे ये आपको अलग अलग अलगम लेवल पर परसेंटेज जिक्सा फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एट द फिफ्टीन हंड्रेडम्स लेवल्स अब देखो क्या था एक चीज और यहां पर समझेंगे हम लोग इसी फिट के साथ ही समझोगे जैसे ये कॉन्टिनेंट है जैसे आप देख रहे हो ना यहां पर तो इनके साथ क्या हो रहा है कि इनके साइड में और इस साइड में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज मिलती है तो सेकंड एविडेंस ये भी है कि ऑब्वियस आप आपस में जुड़े हुए थे तभी सिमिलर भी पाए जाते हैं इसके बाद इन्होंने एक चीज और बताया था आपको एविडेंस के फॉर्म में देखा जाए तो जो आप देखो कि अफ्रीका का ये वाला पार्ट है इस पार्ट में रिफ्ट बने हुए भ्रंश बने हुए रिफ्ट वैली है यदि किसी भी कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर रिफ्ट का फॉर्मेशन किसी भी कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर रिफ्ट का फॉर्मेशन यह इंडिकेट करता है यह प्रमाणित करता है कि अभी भी ये चीजें टूट रही हैं अभी भी यह अलग हो रही है जैसे यह है ना कि अभी भी ये चीजें अलग हो रही हैं तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर रिफ्ट का पाया जाना या मिलना यह प्रूफ कर रहा होगा कि चीजें आज भी ब्रेक हो रही हैं ठीक है ठीके? तो यह भी इनका इंपॉर्टेंस एविडेंस है कि आपको मार्जिन पर रिफ्ट का मिलना या भ्रंश का मिलना इसके बाद इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस में से प्रमाणित किया था वो था इनका फॉसिल सेविडेंस इसको बोलते जीवाश्मिय प्रमाण फॉसिल सेविडेंस ये फॉसिल सेविडेंस जीवाश्मिय प्रमाण इट मींस इन्होंने प्रमाणित किया कि कुछ ऐसे फॉसिल्स हैं या कुछ ऐसे जीव हैं जो आज अलग-अलग महाद्वीपों में मिल रहे हैं जैसे मान लो कोई भी साउथ अमेरिका में है और उसका एविडेंस हमें अफ्रीका के अंदर भी पाया जा रहा है या फिर आप आ रहे हो तो यूरोप में भी है और नॉर्थ अमेरिका में भी है इट मीनस ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे जैसे आप देखोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं मिनरल्स एंड फोसिल्स एविडेंस मिनरल्स एंड फोसिल्स एंड माउंटेन्स ऑन नाउ डिफरेंट कॉन्टिनेंट मैच इफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर टुगेदर यानी ऐसा होता है कि मिनरल्स जो है खनिज तत्व हैं फोसिल्स हैं माउंटेंस हैं ये आपको डिफरें, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में हैं लेकिन इनको जोड़ा जाए तो एक दूसरे से मैच कर जाएंगे कैसे करेंगे यही हमें समझना अब है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था इनका कि सारे जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपस में कभी ना कभी जुड़े हुए थे और कैसे जुड़े थे इसे हमें समझना है ठीक है तो अब देखो वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सबसे पहले आप देखोगे तीनों ने ग्लोसेप टेरिस एक वेजिटेशन है समझो इसको ग्लॉस वेजिटेशन यहां आपको दिख रहा होगा फिगर में यह है ग्लॉस टेरिस ठीक है और ये ग्लॉस टेरिस को आप आप देखो यहां पर यह वाला देखना ध्यान से यह देख रहे हो आप यह ग्लोस टेरिस की कंडीशन शो कर रहा है इट इटमीन साउथ अमेरिका अफ्रीका आप आयोगे अंटार्टिका रीजन में पेनिसुलर इंडिया वाले पार्ट में और ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में इन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर टेरिस मिल रहे हैं इट ये प्रूफ कर रहा है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे टेरिस एक हैं और ये सभी में आपको दिख रहे हैं जो ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे ठीक है यहां तक समझ रहे हम सभी लोग कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को ग्लोसे एविडेंस को लेकर कि किसी को कोई कंफ्यूजन फटाफट रिप्लाई करो जल्दी से क्विक रिप्लाई किया करो आप लोग एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन ओके जीतू चले हम लोग आगे तो देखो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एविडेंस पर ग्लोस ऑफ टेरिस के बाद हमारा नेक्स्ट एविडेंस जो है वो है लाइसोटोरस लाइसोटोरस के आपको देखो लाइसोटोरस क्या है तो ये आपको ये देखो यहां पर ये फिगर भी दिख रहा होगा ये एक्चुअल में क्या है ये फोर फुटेड एनिमल है ये लाइसोटोसरस टोसरस जो है एक फोर फुटेड एनिमल से और इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये फोर फुटेड एनिमल जो है आपको ये दिख रहा है यहां पर देखो ये मींस कहां दिख रहा है आपको अफ्रीका में इंडिया वाले पार्ट में और अंटार्कटिका वाले रीजन में अंटार्कटिका इंडिया एंड अफ्रीका में मिल रहा है इट से कभी ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे ये नाम है जीतू तो इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे ये नेम है ये जानवर का नाम है ना एक एनिमल है ये फोर फुटेड, ठीक है जीतू नेक्स्ट इविडेंस आप देखोगे तो नेक्स्ट एविडेंस आपका है साइनोगेथस साइनोगैथस ये देखो ये है साइनोगैथस ठीक है वाट अबाउट श्रीलंका श्रीलंका बेसिकली जो है वो आपको एक छोटा सा आइलैंड पार्ट है इसी से सेपरेटेड पार्ट है वो ठीक है तो देखो यहां पे समझो साइनोगैथस इज अ फोर फुटेड रेप्टाइल ये आपको साइनोगेथस है और ये साइनोगैथस को देखा जाए तो साइनोगेथस कहां पे है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में ये फोर फुटेड रेप्टाइल फाउंड इन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिल रहा है साइनोगैथस तो जो ये प्रूव कर रहा है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे साइनोगैथस को, को, को इसके अलावा देखोगे आप एक इंपॉर्टेंट एविडेंस ये भी है मेसोसोरस इट ऑल्सो फोर फुटेड रेप्टाइल ये दो देख रहे हो आपको यह है मेसोसोरस और मेसोसोरस इज ऑल्सो फोर फुटेड रेपटाइल जिसकी लोकेशंस आप देखोगे तो ये दिख रहा है आपको यहां पर इट मीन साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका में इसका मिलना ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी एक कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे इट मीन्स यदि हम बात करें फोसिल्स एविडेंस में तो ग्लॉसिव टेरिस साइनोगैथस मेसोसोरस ये जो हैं आपको इनके एविडेंस डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मिलना ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी ये आपस में जुड़े हुए थे ठीक है यहां तक समझ रहे हैं सभी लोग कोई कंफ्यूजन कोई डाउट रैम्पल मूवी है जानवर ओके 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 जीतू ओके कुमार पवन ओके ललित यहां पर एक चीज और आप लोग समझोगे साथ साथ में एक एनिमल है लेमिंग बर्ड है सॉरी एक बर्ड है लेमिंग ठीक है एक क्लेमिंग बर्ड है ओके खुशी ओके <laughs> मेरी कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकूं मेरी पूरी कोशिश यही कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड करा सकूं ठीक है तो आप देखो यहां पर क्या है एक बर्ड है लेमिंग तो एक्चुअल में लेविंग बर्ड को देखोगे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप लोग कुछ मैं थोड़ा पीछे चलता हूं आपको देखो ये बर्ड जो है लेमिंग यहाँ मिलते हैं समझना है जहाँ से यहाँ पर इनके बारे में लेमिंग के बारे में येस एग्रेड ग्लिम देखो लेमिंग जो है इस रीजन में मिलते हैं ये आपको यूरोप के वेस्टर्न साइड में लेमिंग बर्ड में होता क्या है कि जब इनकी संख्या बढ़ जाती है ना जब इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये वेस्ट की तरफ मूव करते हैं और वेस्ट की तरफ मूव करने का अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अटलांटिक ओशंस में पानी के अंदर चले जाएंगे वैसे पानी में जाएंगे डूब जाएंगे ये ये जानने के बावजूद भी कि पानी में जाकर डूबकर उनकी मृत्यु हो जाएगी फिर भी ये वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी ये जो पार्ट है आपस में मिला हुआ था ये पार्ट जो है आपस में मिला हुआ था तभी ये पॉसिबल हो रहा है कि लेमिंग जो है यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं आज भी उसी टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं जो पहले वो फॉलो करते थे ये आप देख रहे हो यहां पर ध्यान से इस डायग्राम को समझना यहां से यहां आना था पहले अब क्या हो गया अलग हट गया तब यहां पे आ गया अटलांटिक ओशन तो उसी ऑस्ट में जाके अभी भी आपको मिल रहे हैं ठीक है आई बात समझ में तो लेमिंग का वेस्ट की तरफ जाना या लेमिंग के अभी भी देखोगे जो एविडेंस है फॉसिल्स के वो आपको नॉर्थ अमेरिका रीजन में पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका रीजन में लेमिंग बर्ड के एविडेंस का मिलना ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे और इन सारे एविडेंस को ही हम लोग बोलते हैं फोसिल्स एविडेंस जीवाश्मीय प्रमाण कोई कंफ्यूजन किसी को यहां पर कोई डाउट फोसिस एविडेंस में किसी को भी कोई कंफ्यूजन किसका स्ट्रक्चर अलग अलग है ललित नो डाउट ग्लिम्स ओके ओके ललित किसका स्ट्रक्चर आप कह रहे हो अलग अलग है अब देखो समझना यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ एक और आप लोग जो इन्होंने फोर्स एविडेंस दिया था उसके बाद इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस था जिसका नाम था पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस जिसको बोलते हैं पूरा जलवायु प्रमाण देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने एक एविडेंस प्रोवाइड किया था जिसको बोलते हैं पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस या पूरा जलवायु प्रमाण जो ये ये भी प्रूफ करता था कि कॉन्टिनेंट जो है आपस में जुड़े हुए थे इसी को प्रूफ करते हुए एविडेंस था देखो इसमें है क्या एंशियंट क्लाइमेटिक रीजनस में देखा जाए तो जैसे मान लो समझो यहां पर ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जैसे कोल तो ध्यान से जो ट्रॉपिकल प्लांट्स जो कोल का डिपोजिशन बेसिकली क्या है कोल रिलेटेड टू वार्म क्लाइमेटिक रीजन जो कोयला है ये बेसिकली गर्म जलवायु क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और इसका एविडेंस आपको अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में मिलना इसका जो डिपोजिशंस है यानी खेप जो है अंटार्टिका कॉन्टिनेंट में मिलना जो ठंडा है तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे ठीक है समझ रहे इसको इट मीन ये हुआ कि जो आप ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं रिमेन्स हैं कोल जैसे कोल्ड वार्म क्लाइमेटिक रीजन से रिलेटेड है और इसका अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में मिलना या फिर हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हायर लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मिलना उत्तरी अमेरिका के उच्च अक्षांशों में मिलना यह प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे इसके बाद देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है ग्लेशिएशन इन अफ्रीका तो अफ्रीका के अंदर ग्लेशियर हिमनदों का निक्षेप मिलना साउथ अमेरिका में मिलना इंडिया में मिलना ऑस्ट्रेलिया में मिलना ड्यूरिंग सेम टाइम एक ही समय के ग्लेशिएशन देखोगे आप एक ही समय का ग्लेशिएशन जो है आपको साउथ अमेरिका इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मिलना ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े थे जैसे देखो यहाँ पर इंडिया रीजन में ग्लेशिएशन मिलना वाइट कलर दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका के अंदर अफ्रीका के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे अदरवाइज सेम टाइम पीरियड के ग्लेशियस इनमें नहीं पाए जाएंगे ये भी आपको पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंस ही है जो पूरा जलवायु प्रमाण ही कहा जाएगा इसे जैसे प्लांट का मिलना आपको कोल का मिलना डिफरेंट डिफरेंट रीजन में उसी तरीके से ग्लेशिएशन डिपोजिशन मिलना आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में कनेक्टेड थे या आपस में जुड़े हुए थे आई बात समझ में यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी देख हो किसको कैसे प्रूफ करेंगे यहां पे देख रहे इस डायग्राम के अंदर तो ये आपस में, Antarctica region में, Africa, India regions में. जुड़े हुए का प्रमाणित है देखो साउथ अमेरिका रीजन में अंटार्कटिका रीजन में अफ्रीका इंडिया रीजन ये सभी आपस में जुड़े हुए थे तभी यह पॉसिबल हुआ कि इनके जो डिपोजन्स है आपको यहां पर मिल रहे थे कोई कंफ्यूजन कोई डाउट किसी को भी यहां तक यहाँ तक तो ओके है ठीक है ललित ने आपने मेरे क्लास की टाइमिंग पूछी थी ना ललित आपने मेरी क्लास की टाइमिंग पूछी थी ना ललित तो यहाँ तक सभी लोग ओके हो ना? आगे चल सकते हैं हम लोग आगे चले हम लोग समझ में आ रहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब देखो क्या है जैसे देखोगे ये ग्लेशियंस थे और कोल के डिपोजिशन ये प्रूफ कर रहा है तो ग्लेशिएशन पैटर्न क्या था कॉमन था कॉमन आइस कैप एट द साउथ पोल अब देखो जो साउथ पोल की लोकेशन थी उस टाइम पे प्रेजेंट टाइप के डर्बन के पास में थी जो डर्बन की लोकेशन है ना यहाँ पर अफ्रीका के अंदर तो उस समय साउथ पोल का कंडीशन होता है और ग्लेशिएशन पैटर्न उसी को शो करता है तो ये भी प्रमाणित करता है कि आपको कभी ना कभी जुड़ा होता है एक्चुअल में जो साउथ पोल है वो आपको उस टाइम पे देखो कार्बन फेरस टाइम पीरियड में तो डर्बन जो है साउथ अफ्रीका में उसकी क्लोज दिखता है वो तो ये दिखा रहा है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे तभी साउथ पोल की पोजिशन जो है डर्बन के पास में थी जो आज के टाइम में अंटार्क्टिका के पास में है ठीक है अब एक चीज और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट एविडेंस दिया था साथ ही साथ में इसी के कि जो ललित अच्छा जी अच्छा टाइमिंग की बात करो ललित ओके ओके मैं भी बताऊँगा थोड़ी देर रुक जाओ इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, mountain mountain की थी मैचिंग माउंटेन चेन्स माउंटेन चेन की मैचिंग की बात की थी इट मीनस जैसे देखोग नॉर्थ अमेरिका में ये माउंटेन चेन है और यूरोप के अंदर ये माउंटेन चेन है इनमें मैचिंग पाई जाती है ये बोथ आर तो सिमिलर्स इनको जोड़ दिया जाए तो ये माउंटेन चेन एक ही टाइम पीरियड के बने हुए हैं इनका टाइम पीरियड सेम ही है और स्ट्रक्चर सेम ही है इट मीन ये कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे इसी को ये प्रमाणित करता है देखो ये क्या है कैलोडोनियन माउंटेन्स हैं और ये भी कैलोडोनियन टाइम का बना हुआ है तो कैलोडोनियन टाइम में कल की क्लास को याद करना मैंने बोल रहा था कि एस कैंडोनियन माउंटेन जो है वो कैलोडोनियन टाइम में बने थे और अपलेशियंस वाले तो जोड़ दो इनको तो आपको एक ही टाइम पीरियड के बने हुए थे तो जो ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी ये आपस में रिलेटेड से जुड़े हुए थे ऐसे देखा जा सकता है तो कुछ ऐसा बनेगा ये कंडीशन इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपस में जुड़ रहे हैं ये गुड इवनिंग अजीत आप तो लेट हो गए बहुत आज ऑलमोस्ट क्लास कंप्लीट होने के टाइम पे आ रहे हो ठीक है और सभी लोग लाइक like और शेयर कर लेना क्लास को जितने लोग हो क्लास में ये समझ में आया सेम चेन वाला कॉन्सेप्ट फाइन फाइन अजीत आई एम फाइन अब देखो इन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस दिया था एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट एविडेंस दिया था वो ये था आपका पैलियो मैग्नेटिजम देखो समझो इसमें क्या होता है पैलियो मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग देखो जब रॉक का फॉर्मेशन होता है किसी भी रॉक का पॉलिमी रॉय हाय पॉलोमी रॉय आप भी लेट हो गए आज देखो जब किसी रॉक का फॉर्मेशन होता है तो रॉक बेसिकली क्या होते हैं जिस टाइम उनका ओरिजिन होता, होता है उस टाइम के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं इसमें उस टाइम के जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसी को ये फॉलो करते हैं तो सेम टाइम में बने हुए जो रॉक होंगे वो सेम मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेंगे यानी मैग्नेटिज्म ऑफ ओल्ड रॉक्स इंडिकेट्स अ कॉमन पोल यानी इट मीन मान लो जैसे ये एक रॉक है और ये रॉक है दोनों का मैग्नेटिज्म सेम शो कर रहा है कॉमन पोल को शो कर रहा है यानी इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल दोनों का एक ही है इट इटमीन्स ये शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि ये आपको आपस में कभी ना कभी रिलेटेड थे कभी ना कभी ये जुड़े हुए थे पूरा चुम्बक्कत तो बोलेंगे इसको पहली मैग्नेटिज्म को अजीत वेन विग द विग टाइड्स कम्स ललित या टाइड्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे ओके okay, ओके okay. मैं यहाँ पे टाइमिंग अगर बता ही देता हूँ देखो मेरी जो टाइमिंग है सेवन पी एम बिगिनर टू मास्टर यूट्यूब चैनल पर सेवन पी एम ठीक है सेकेंड आप देखोगे एलेवन पी एम एंड वन पी एम ये टाइमिंग मेरा है अनएकेडमी ऐप पर आप ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे एलेवन पी एम और वन पी एम पर ठीक है सेवन पी एम बिग्नर टू मास्टर यूट्यूब चैनल एलेवन पी एम एंड वन पी एम ये हमारा ऐप पे टाइमिंग है हिंदी में भी इसको पूरा चुंबकत्व तो बोलेंगे अजीत पूरा चुंबकत्व तो बोलेंगे इसे पैलियो मैग्नीटिम पूरा चुम्बक होता ये है कि जो चट्टानों की उत्पत्ति होती है उस टाइम में जिस टाइम में हुई होती है एक ही समय की जो चट्टाने होती हैं सब एक ही पोल को फॉलो करती हैं उसी को होता है पैलियो मैग्नेटिज्म यानी ये जो रॉक है और इस रॉक का पोल एक ही होगा इट मींस ये क्या हुआ कि दोनों एक ही टाइम के बने होंगे तभी इनका पोल एक जैसा हो सकता है ठीक है इसी एविडेंस को इन्होंने कहा था पैलियो मैग्नेटिज्म समझ लो यहां तक ग्लिम्स ग्लिंट पूरा कोर्स कराऊंगा करवाओगे विदाउट फी क्या बताओ ग्लिम्स यदि आप फी पे नहीं करोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा मुझे भी तो खाना चाहिए ना <laughs> कराऊंगा पूरा कराऊंगा ग्लिम्स ठीक है <laughs> मेरी भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है ना ग्लिम्स तो यदि आप फी नहीं दोगे तो मुझे कैसे काम चलेगा मेरा सर <laughs> ऐप <laughs> वर्क नहीं कर रहा है अनएकेडमी मतलब मैं समझा नहीं अजीत क्या करो आई बात समझेंगे ग्लिम्स <laughs> आपको पूरी कोर्स फ्री में करनी है ग्लिम्स बताओ पहले मुझे यहां तक तो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को देखो एक्चुअली ना मेरा मानना है ये है मैं आपको एकदम बी ऑनेस्ट बोलता हूं कि जो चीज फ्री में हमें मिलती है उसकी कद्र हम नहीं करते हैं वो चीज हमारे लिए बहुत यूजफुल भी नहीं होती उसके पीछे वजह ये होती है कि उसकी कद्र नहीं करते हैं ये पर्सनली मेरा मानना है बाकी आप मेरी बातों से इतफाक रखे न रखे कोई जोरी नहीं है हाँ प्रवीण वन ये आपको कोड यूज करना है प्रवीण वन अजीत प्रवीण ठीक है तो देखो अभी हमने डिस्कस किया यहां पे एक बार मैं फिर से ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं ध्यान से क्विक रिवीजन समझो क्विक रिवीजन का अर्थ यह हुआ कि जैसे इस थ्योरी के देने के पीछे मोटिव क्या था तो मोटिव यह था कि में जो चेंज हुए थे उसी करना था वेगनर के द्वारा। उसी फेज में क्लाइमेट की चीजें कोल्ड में और कोल्ड की वार्म में मिलना ये प्रूफ करता है कि कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे तो इन्होंने यह बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करे कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं ठीक है यस कुछ रियलिटी में बोल रहा हूँ कि विदाउट यदि हम उसने कद्र नहीं करते हैं आप लोग देखो मेरी क्लासेज में आप खुद देखो मैं एक आप बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देता हूँ फिर भी क्लास में कदर नहीं करते हो आप लोग आते नहीं हो टाइम से बहुत कम बच्चे आते हैं भाग जाते हैं वही जब पैसे पे करते हैं ना तब को लगता है ओ हो सोचो इन्हीं ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको बहुत भी पैसे देने पड़ते हैं मेरी क्लास में ही आपको आने के लिए बहुत पैसे देने पड़ जाते हैं डेली के अंदर तो अब देखो क्या आता है तो इन्होंने माना कि कॉन्टेंट ड्रिफ्ट कर रहा है ये था कि पहले इन्होंने माना कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े थे जिसका नाम था पेंजिया पैंजिया टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड उनके बीच में टेथिस ही हुआ करता था लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से प्रेजेंट टाइम के सारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है सारे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ तो अब ये किया था टर्सरी टाइम पीरियड तक आते थे सभी एक दूसरे से अलग हो गए थे अब क्या हुआ किसके लिए इन्होंने कुछ एविडेंस दिए एक एविडेंस था जिक्सा फिट का जो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़ जाते हैं उसी को जिक्सा फिट स इन्होंने दिया था स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी जो आपस में मिले होते हैं कुछ फोर्सेंस दिया मिनरल्स के बेसिस पर और जीवासमी प्रमाणों के आधार पर इसके अलावा कुछ पैलियो क्लाइमेटिकटिक एविडेंस मिले तो इन्हीं एविडेंस के बेसिस पर प्रूफ किया कि सारे जो कॉन्टिनेंट आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट ये आपको अलग अलग हैं या आपको ये जुड़ जाते हैं ठीक है यस खुशी आई नो यू आर वेरी रेगुलर स्टूडेंट और यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट और मुझे उम्मीद भी है कि आप कुछ बेहतर करोगे इन फ्यूचर ठीक है समझ में आया सभी लोगों को एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए मेन्स में लिखने के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री तो लिख पाओगे सभी लोग क्वीट रिप्लाई यस 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 सिप्रा श्योर श्योर खुशी नगर में मिलना पॉलेमी मैं नगर में रहता हूँ ठीक है डेली क्यों आओगे इस टाइम पे इस टाइम तो ऐसे डेली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अब जहाँ हो वहीं सेफ रहो और ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो कोई इशू नहीं है उनके साथ आप पढ़ सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस करके भी क्रैक कर सकते हो कॉले ठीक है अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने इस पूरी थ्योरी को समझा अब इसको क्रिटिसिज्म इसकी कुछ आलोचनाएं थी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्रिटिसम्स थे उन क्रिटिसिज्म को जब समझ लो, लो ब्रीफ में यहाँ पर लॉकडाउन तो खुले यस यस ग्लेम्स अरे अजीत हमेशा बुले से भाई ऐसा कुछ नहीं है सबके साथ बिले से मेरा अब समझो पहले क्रिटिसिज्म समझो बाद में बातें करते हम लोग पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिजम इनका था इन्होंने जो फोर्स की बात की थी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ एंड टाइडल फोर्स ऑफ द मून ये सफिशियंट नहीं है इस फोर्स में से पॉसिबल नहीं है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर जाए महाद्वीपों में विस्थापन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है ठीक है इट मींस जो फोर्स की इन्होंने बात की तो पहला क्रिटिसिज्म इनका यही है फर्स्ट क्रिटिसिज्म कि फोर्स सफिसियंट नहीं थे जिनसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होते हो सेकेंड थिंग आओगे इन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्टिनेंट जुड़ते हैं आप में से किसी ने बोला भी था पहले बीच में कि सर एग्जैक्ट ऐड नहीं हो सकते एग्जैक्ट जुड़ नहीं पाते हैं तो आज भी देखोगे जब जोड़ते हैं हम लोग कॉन्टिनेंट्स को तो एकदम एज इट इज फिट नहीं बैठ जाते हैं जिक्सा फिट वाली जो पॉइंट थी वहां पर भी कहीं ना कहीं इनमें इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इनका यह था कि इन्होंने ये कहा कि सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है सियाल जो है वो सीमा पे फ्लोट कर रहा है ये कहा था ना इन्होंने तो जब इन्होंने माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी इन्होंने पहले अपने एजम्सन में यह माना कि सियाल फ्लोट ऑन द सीमा सीमा पे तैर रहा है तो जब इन्होंने पर्वत की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया माउंटेन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो ये बोल दिया उसमें कि सीमा के ब्रेक डालने की वजह से क्या हुआ सियाल में फोल्ड बन गए इट मीन्स इन्होंने अपनी बात को प्रवीण वन प्रवीण वन यहां देखो लिखा हुआ प्रवीण वन यस पॉलिमी यस यस रियलिटी आई जुनून होता तभी बनते हैं तो देखो सियाल जो है सीमा पे फ्लोट करा इन्होंने बोला था लेकिन जब एजम्पन की बात हुई थी तो जैसे ही अपनी को इन्होंने काउंटर किया अपनी बातों को इन्होंने काट दिया काटा क्या कि सीमा जो है अवरोध डाल रहा है ब्रेक डाला उसके कारण सियाल में फोल्ड बन गए मीन अपनी बातों को इन्होंने काटा तो यहां पर इनकी तीन महत्वपूर्ण आलोचनाएं होंगी पहली क्या होगी कि ये जो फोर्स है वो सफिसियंट नहीं है सेकेंड जो है ये आपस में पूरी तरह फिट नहीं हो सकते और थर्ड आपका कि जो सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है इसको इन्होंने खुद से काउंटर किया यानी जो सियाल है वो फ्लोट न करके सीमा के ब्रेक होने की वजह से माउंटेन का ओरिजन्स हो गए तो अपनी बातों को ही इन्होंने सेकेंड टाइम में काट दिया काउंटर कर दिया ये इनकी महत्वपूर्ण आलोचना आती थी तो जब हमसे आ जाए ना क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो आप इसको समझ सकते हैं अजीत आप मुझे कॉल कर लेना इस नंबर पे डबल नाइन वन जीरो नाइन वन फोर थ्री जीरो थ्री अजीत आप मुझे कॉल कर लेना ठीक है क्लास में भी सुन पा रहे हो आप मुझे तो आई बात समझ में आप है? कोई कंफ्यूजन किसी को कोई डाउट ओके okay, अजीत आप मुझसे एक बार कॉल करके बात कर लेना आफ्टर क्लास मैंने नंबर लिख दिया अजीत इस नंबर पर मुझे कॉल कर लेना आप यहां तक समझ में आप सब को सबको कि यदि आ जाए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री को क्रिटिकली एनालाइज करो तो लिख सकते हो सभी लोग ऑल आर ओके 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 ग्लिम्स ललित ठीक है देखो आ, हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री को डिस्कस किया और एक बार फिर से आपको लेट्स क्रैक यूपीएससी पी एस सी एस सी विथ अनएकेडमी या इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और यदि आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो गो फॉर प्रवीण वन रेफरल कोड प्रवीण वन रेफरल कोड गेट टेन परसेंट ऑफ थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास एंड फॉर वंडरफुल सेशन आई होप कि आप सभी ने इंजॉय किया होगा इस सेशन को और सभी लोग एलेवन पी एम पर मेरे अनएकेडमी ऐप की क्लास में मिली है इलेवन पी नाइट में जहाँ पे एक वंडरफुल क्यूज सेक्शन होगा एमसी होगा हमारा तो इसमें आप लोग मिलिए है इलेवन पी पर सभी लोग और गो फॉर प्रवीण वन रेफरल कोर्ट ठीक है ओके